बक्सर से आपको बड़ी खबर बता दें, नीतीश सरकार पर बरसे अश्विनी चौबे, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाली पर निशाना साधा, ऐसी सरकार को जल्लाद कहा जा सकता है। तमाम मुद्दों पर राज्य सरकार को जमकर उन्होंने लताड़ा। और अथर में श्री अन्न महोत्सव में केंद्रीय मंत्री ने शिरकत की, तो वहीं जेडीयू एमएलसी राधाचरण साह के यहां इनकम टैक्स की छापेमारी पर उन्होंने कहा कि जो लोग भी माफियागिरी करेंगे, भले ही वो ये कहें कि वो निर्दोष हैं, उन्हें सरकार की तरफ से बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें सेंट्रल जेल आना ही होगा और मोटा रस्सी में फांसी लगाना ही होगा। हाँ देखो, होलिका दहन में हो या जब भी हो, जो दूसरे को दहन करता है, जो दूसरे को मारता है, उसको भी मरना ही है। इस धरती पर सब आया है, सबको जाना है। लेकिन जो बिहार के साथ अन्याय किया है, बिहार के साथ जो दुराचार हो रहा है, बिहार में जो हत्या अपराध बलात्कार के कारण बढ़ रहे हैं, बिहार के अंदर जो स्वास्थ्य चिकित्सा के बिना लोग मर रहे हैं, आज ऐसे सरकार को, निकम्मी सरकार को जाना ही होगा। और ये इसलिए मैंने कहा, ये चंद दिनों के मेहमान है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं, संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, देखिए, नीतीश सरकार पर अश्विनी चौबे ने निशाना साधा है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो इस वक्त बिहार में व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से बदहाल हैं। इसके अलावा क्या कुछ उन्होंने कहा है, इसकी जानकारी भी चाहेंगे। आज अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, आस्थर पंचायत में अन्न महोत्सव के उद्घाटन सम्मेलन में आए थे। उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर बरसा और कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर चरमरा गई है और इसलिए उन्होंने कहा स्वास्थ्य में सुनाने से सरकार जल्लाद कहा जाता है, जल्लाद हो गई है और दमनकारी हो गई है। और उन्होंने कहा कि सरकार नीतीश की जो यात्रा है वो फेलियर हो चुकी है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग जो कहा, जब उनसे पूछा कि आप स्वास्थ्य मंत्री थे तो आपने क्या किया, जवाब उन्होंने नजरे बताया, जवाब से कट्टे नजर आए। उसके बाद उन्होंने कहा कि राधाचरण के सरकार की आय संपत्ति में गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने कहा कि जो जैसा काम करेगा उसकी सजा मिलेगी। वहीं बक्सर सेंट्रल जेल में रस्सी जो बनती है फांसी की, फांसी की रस्सी पर चढ़ना ही पड़ेगा। जी ठीक है जितेंद्र, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।